उस्ताद अपने शागिर्द पर, मालिक अपने नौकर
मेहमान अदा करे तो जो ड्यूटी देने वाला होता है वो खुश हो जाता है और अपनी हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई इनाम देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रमजान शरीफ में रोजे रखने की ड्यूटी लगाई है और जब वो उसे पूरा करता है तो अल्लाह ताला ही पहाड़ थे जब नमाज पढ़ कर लौटे तो
शख्स है शमशा, आप क्यों रो रहे हैं? आज तो ईद का दिन है। आपने फरमाया दो ईद की खुशियां मना रहे हैं और मैं रमजान में तू जाने हमारी आदत तो ये है कि हम रमजान में हज तरावी कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन जैसे रमजान चला जाता है हम गुनाहों पे आ जाते हैं, अल्लाह से बगावत करना शुरू कर देते हैं, हर चीज भूल जाते हैं। हजरत उमर फारूक ने एक ईद वाले दिन घर से निकले तो रो रहे थे, मस्जिद पहुंचे तो रो रहे थे, रुकू में गए तो रो रहे थे, सजदे में गए तो रो रहे थे। किसी शख्स ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि हमसे अल्लाह का खास तोहफा इनाम हम से चला गया और कहीं वो अल्लाह की पाक बारगाह में जाके ये ना कह दे कि अल्लाह तेरे बंदों ने तुम्हें कदर नहीं की, रोते ही रखते ना कि हमारे पड़ी कहीं हमारी शिकायत ना करते, मैं इसलिए रो रहा हूं। सरवर कहूं के मालिक हो हमारी की
نماز اپنی پاک پیغام قبول و منظور فرما. ہم نے رمضان میں جتنے روزے رکھے جو جو عبادتیں کی ہے ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی اپنی پاک پاکار قبول و منظور فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. میرے اولاد جو نے نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ پاک تمام لوگوں کی نیک دلی حاجات قبول و منظور فرما. مٹی نہ ہو برباد اسے فرق کے نہیں جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. شامیانہ پر جبریل کا وجود پر خوشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین خدا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی و نور شری و زینت بخشی و قاسم رزقی محمد علی آلہ و صحابہ اجمعین. سارے حضرات اس پاس سجے پاس.